आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिनिमम एज इन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में मिनिमम एज क्या है देखो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आप देख पा रहे होंगे मैंने जैसे इतना सा लिखा हुआ है तो मैं वीडियो बना क्यों हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी जो पिछली बार हुआ था वहां पे मेजोरिटी थ्री क्वेश्चन देखने को मिला था पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एसी ए से रिलेटेड और एक और था वो बेसिक आपको पता होगा थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उससे रिलेटेड आ रखा था ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको यही बताती हूँ अगर इन केस आपको यहाँ से क्वेश्चन आया तो प्लीज उसको जाने मत देना बहुत बेसिक है इसलिए सेपरेट वीडियो बना रही हूँ और छोटी वीडियो में बाइंड अप कर दूंगी ठीक है डायरेक्टली याद करते हैं हमें प्रेजिडेंट के लिए जो एज चाहिए होती है वो होती है आपकी चलता ही नहीं है ये थर्टी फाइव वाइस की, इनकी भी 35 है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, के अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको ट्वेंटी फाइव एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको थर्टी एज होना चाहिए ठीक है ये मैंने आपको क्यों लिखा प्राइम मिनिस्टर को समझ लीजिए देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन बनता है मतलब जो भी पार्टी लोकसभा या राज्यसभा में मेजोरिटी लेती है ज्यादातर जो केस होता है वो लोकसभा से ही बनता है ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर बने जाते हैं वो लोकसभा से ही बनाए जाते हैं तो उसमें एज जो होगी वो ट्वेंटी फाइव ही होगी ठीक है बट अगर इन केस राज्यसभा से प्रेसिडेंट को बनाया जा रहा है तो उस केस में जो एज होगी वो थर्टी चाहिए होगी ठीक है इतना समझ आया इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि अगर लोकसभा से आए तो ट्वेंटी फाइव और राज्यसभा से आए तो थर्टी uh, इन जनरल पूछा जाए तो आप ट्वेंटी फाइव डाल देना ठीक है यहाँ पे मैंने बॉक्स बना के अलग से लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है ना ये रिटायरमेंट एज है ये भी क्वेश्चन आ जाता है लग से लिख लीजिए इसे रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो 65 है और अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो 62 है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो इसे नोट कर लीजिए इतना ही याद करना है थ्री मार्क्स अपने पक्के कर लीजिए बस इतना सा टॉपिक करके बाकी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए सारी प्लेलिस्ट है सेशन अपने दीजिए अपने कमेंट से मुझे खुशी दीजिए सी इन द नेक्स्ट वन बाय